हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम इंडिया क्लासेस। आप कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक नया डेरिवेशन, जो हमने पहला डेरिवेशन पढ़ा उसी के जैसा लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा। ये डेरिवेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। और डेरिवेशन क्या है स्टूडेंट्स? आप देख पा रहे हैं गामा इक्वल टू 3 अल्फा। गामा और अल्फा में डेरिवेशन है, मतलब रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, रहे बात इसके नोट्स की, वो नोट्स आपको मैंने पहले ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर देख सकते हैं, वन क्लिक आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सब वीडियोस आपको वन बाय वन मिल सके और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर सके। स्टूडेंट्स, हमने जो टारगेट सेटअप किया है 2000 का सब्सक्राइबर को अर्लियर कंप्लीट करने का, उसमें आप हमारी हेल्प कीजिए। स्टूडेंट्स, शायद आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो आप उसमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे पोस्ट पर डालता ही रहता हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है तो आप उसके लिए कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। लेक्चर जो है, लेक्चर हमारा 10th लेक्चर है स्टूडेंट्स आज, और उसमें हमें डेरिवेशन निकालना है गामा और अल्फा में, यानी कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में जो है रिलेशन हमें निकालना है, डेरिवेशन निकालना है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस डेरिवेशन से इस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसलिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि प्रीवियस लेक्चर को देख लें, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि इसमें प्रिसाइसनेस और बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स, सो बिना देरी के शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात आ रही कि वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन की। वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हमको एक थ्री डायमेंशनल फिगर लेना होगा। यहाँ देख रहे हैं आप, एक मैंने ब्लैक लाइंस में एक थ्री डायमेंशनल क्यूब लिया हुआ है, जिसकी हर साइड जो है एल मान लेते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी हर साइड लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों एल है, और इसका इनिशियल वॉल्यूम वी है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे तो हीट प्रोवाइड करने से इसका वॉल्यूम वी से बढ़कर क्या हो जाएगा, डेल वी, वी प्लस डेल वी हो जाएगा। यही बात यहाँ पर मेंशन की हुई है, लेट एल बी द साइड ऑफ क्यूब ऑफ मेटल। इस क्यूब की जो है हर साइड एल है, एंड ऑन राइजिंग इट्स टेम्परेचर थ्रू डेल्टी। इसके टेम्परेचर को डेल्टी बढ़ाने के लिए हम हीट देंगे इस पर, तो देने से उसकी हर साइड की जो लेंथ है, इट्स साइड्स बिकम्स एल प्लस डेल एल, और नया वॉल्यूम कितना हो जाता है, वी प्लस डेल वी। अब हमारे पास फिर स्ट्रेटेजी की, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि इसमें स्ट्रेटेजी कैसे रखना चाहिए। डेरिवेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ब्रेन में उसकी स्ट्रेटेजी बना लेना कि किस स्टेप के बाद मुझे क्या करना है। यदि हम उस स्ट्रेटेजी को बना लें तो स्टेप बाय स्टेप विदाउट टेंशन हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, मैं पहले आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात की जा रही है तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा पहले, कौन से, क्यूब का जिसकी साइड एल है। फिर मैं वॉल्यूम निकालूंगा एक्सटेंडेड वॉल्यूम, जो बड़ा क्यूब मुझे हिट देने के बाद मिला है, जिसके अंदर जो है एरिया और वॉल्यूम बड़ा है, उसको मैं उस वॉल्यूम को निकालने वाला हूँ। जब दोनों वॉल्यूम निकल जाते हैं तो बड़े हुए वॉल्यूम में से मैं छोटे वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा, तो मुझे वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है वो मिल जाएगा। अब जब वो मिल जाता है तो मैं गामा का फार्मूले को यूज़ करूँगा, गामा के फार्मूले को यूज़ करके वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरा डेरिवेशन आ जाएगा। ये तीन स्टेप्स हमें याद रखना है। क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आप वॉल्यूम वी निकालेंगे, जो आपको कहाँ से मिल रहा है स्टूडेंट्स, जो आपको मिल रहा है अंदर के क्यूब से। फिर आप निकालेंगे वी प्लस डेल वी की वैल्यू, वी प्लस डेल वी की वैल्यू, ये सेकंड स्टेप होगी आपकी। जब ये दोनों वैल्यू आप निकाल चुके होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, बड़ी हुई वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, जिससे आपको एरिया वॉल्यूम में जो है चेंज मिल जाएगा। वॉल्यूम में चेंज मिल जाने के बाद आप गामा का फार्मूला लगा देंगे। गामा का फार्मूला जो होता है क्या होता है आप जानते हैं, डेल वी अपॉन वी डेल टी। इस फार्मूले को आप यूज़ कर लेंगे तो आप इस डेरिवेशन को निकाल लेंगे। तो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई, पहले हमें वी निकालना है, फिर वी प्लस डेल वी निकालना है, फिर वी प्लस डेल वी में से वी को माइनस करना है, फिर डेल वी की वैल्यू मिल जाएगी हमें, फिर हमें गामा के फार्मूले में से पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको सब समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, तो मैं इसमें अब इस डेरिवेशन को आपके साथ आगे बढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कौन सा, इनिशियल, इनिशियल क्यूब को ले रहा हूँ मैं, जब मैंने हीट उसे प्रोवाइड नहीं की थी, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे था। तो वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। अब स्टूडेंट्स, तीनों की वैल्यू, एल की, बी की और एच की, तीनों की वैल्यू हमें कितनी मिली है, एल ही मिली है। तो यह पुट कर देता हूँ मैं वैल्यू, वॉल्यूम हमारा वी है, वॉल्यूम वो एल की वैल्यू एल है, बी की वैल्यू भी एल है और एच की वैल्यू भी एल है, तो मुझे वी की वैल्यू मिल जाती है एल क्यूब। मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम बढ़े हुए वॉल्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि कब वॉल्यूम बढ़ा था। देखिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, कितना किया था, थ्रू डेल्टी, जब मैंने टेम्परेचर डेल्टा टी को इंक्रीज किया था। तो डेल्टा टी जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो नो डाउट उसकी लेंथ एल से बढ़कर एल प्लस डेल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे नई लेंथ मिलेगी,
सो लेंथ एल प्लस डेल एल हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल एल। अब हम नए वॉल्यूम की बात पर हैं, एंड वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी प्लस डेल वी। मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अब हम वी प्लस डेल वी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए वी प्लस डेल वी निकालते हैं हम। सो न्यू वॉल्यूम वी प्लस डेल वी, उसके लिए भी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट एज इट इज लेना पड़ेगा हमें, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि लेंथ विड्थ और हाइट अब बढ़कर कितनी हो गई है, एल प्लस डेल एल हो गई है, तो ये हम तीनों की जगह पे क्या रख देंगे, एल प्लस डेल एल रख देंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं यहाँ उस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, वी प्लस डेल वी इज इक्वल टू एल प्लस डेल एल इंटू एल प्लस डेल एल इंटू एल प्लस डेल एल। देखिए मैं तीनों पे सेम वैल्यू पुट कर दी क्योंकि तीनों में डायमेंशन में सेम चेंज हुआ है ऐसा मान रहे हैं। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ दिख रहा है कि एक ही ब्रैकेट थ्री टाइम्स इनटू हो रहा है, मतलब यहाँ पर थ्री टाइम्स है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो देखिए वी प्लस डेल वी इज इक्वल टू एल प्लस डेल एल होल क्यूब। यहाँ पे वो स्टेप है जहाँ एक स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है, परेशान हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पिछली जो फार्मूलेज आइडेंटिटीज है वो उन्हें देखी नहीं है तो उसमें उसको परेशानी आ सकती है। तो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, एग्जाम में भी यही आप जो टर्मोलॉजी रखिए कि जो आप स्टेप ले रहे हैं, जैसे स्टेप पर आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब लगने वाला है। देखिए ए है, बी है, बीच में प्लस है और होल क्यूब पावर लगी हुई, तो ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला हमें उसके पैरेलल राइट हैंड साइड में लिख देना चाहिए। उससे एक अच्छा इन्फ्लुएंस, अच्छा इम्पैक्ट हमारे जो है एग्जामिनर पे या टीचर पे या हमारे जो है जो भी हमारे टीचर है उनके ऊपर ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम यहाँ फार्मूले को यहाँ मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट्स। फार्मूला क्या है मैं आपको बता दूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab into a plus b। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमें इस स्टेप में अप्लाई करना है, इसलिए आप इसको इस तरह से अलग से हाईलाइट कर दीजिएगा। अब ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा तो v प्लस डेल v एज इट इज़ रखूँगा मैं। ये देखिए यहाँ a की प्लेस पे क्या दिख रहा है, l। देखिए यहाँ a की प्लेस पे l है और b की प्लेस पे डेल l है, तो यहाँ फार्मूले में मैं इस सब वैल्यू को रख दूंगा। देखिए ए क्यूब मतलब एल का क्यूब, बी क्यूब डेल एल का क्यूब। ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ कि मैंने डेल एल को टर्म को ब्रैकेट में क्यों लिया है, वो आपको पता ही है। थ्री ए बी थ्री एल डेल एल इंटू ए प्लस बी एल प्लस डेल एल। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अभी एलजेब्रा के स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। डेल वी एज इट इज है, एल क्यूब तो वैसे लिखना होगा, डेल एल भी सेम है, यहाँ पे 3L डेल एल का अंदर इंटू होगा ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ होता है 3L और L टर्म हो जाएगी L स्क्वायर डेल एल एज इट इज प्लस 3L, अब की बार डेल एल से डेल एल इंटू हो रहा है तो मैं उसको लिख दूंगा डेल एल का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपने एक बात देखी, जो बात मैंने आपसे कहा था कि डेल एल तो बहुत ही छोटा था प्रीवियस डेरिवेशन में, मैं आपसे कही थी कि डेल एल जो होता है हीट प्रोवाइड करने से जो टेम्परेचर डेल्टी बढ़ता है उससे डेल एल चेंज होता है, एल बढ़कर डेल एल उसमें चेंज होता है, तो डेल एल की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। तो यहाँ हम उस बात को लिख देते हैं, सिंस डेल एल इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डेल एल का स्क्वायर हो या फिर डेल एल का क्यूब हो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, उन दोनों को निग्लिजिबल मान सकते हैं, उन दोनों को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस टर्म में से मैं उनकी वैल्यू को निग्लेक्ट कर देता हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए आप क्या बच रहा है मेरे पास, वी प्लस डेल वी इक्वल टू एल क्यूब। ध्यान ये रहे डेल एल को निग्लेक्ट किया है हमने, डेल एल के होल स्क्वायर होल क्यूब को, वी एल को नहीं। तो देखिए एल तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ये हो गई टर्म निगलेक्ट, कौन सी, एक तो ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी और एक ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। अच्छा इसके साथ में निगलेक्ट होने के कारण इसका कोफिशियंट भी क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये दो टर्म निगलेक्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास बसता क्या है यहाँ पे, थ्री एल स्क्वायर डेल एल, मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ। सो स्टूडेंट्स आपको ये स्टेप समझ में आई गई होगी, मैंने वॉल्यूम में चेंज निकाल लिया है, इनिशियल वॉल्यूम दोनों निकाल लिया है। अब मैंने आपको बताया था कि हम इसमें से वो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज्ड कितना हुआ है वो पता लग जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम देखना है तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम देखेंगे तो वी प्लस डेल वी जो
हमारा जो वॉल्यूम है जो अभी ऊपर मिला इक्वेशन टू में, उसमें से इनिशियल वॉल्यूम को हम माइनस करेंगे तो इंक्रीज वॉल्यूम मिल जाएगा। हम इसकी वैल्यू पुट करें तो देखिए यहाँ पर आप v प्लस डेल वी की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये रही, और v की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में हमें दिख रही है एल क्यूब, ये दोनों वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो देखिए आपको पुट करने के बाद क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, यहाँ मिलेगा आपको एल क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डेल l माइनस वो एज इट इज, और v की वैल्यू क्या रख दी मैंने एल क्यूब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखें आप कि यहाँ से कौन कौन से टर्म, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, और इधर हम बचा हुआ देख लेते हैं तो बचे हुए में से भी कुछ कैंसिल होगा, v प्लस डेल v ब्रैकेट ओपन किया माइनस v इज इक्वल टू 3l स्क्वायर डेल l। यहाँ फिर आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि v से v कैंसिल हो रहा है, मतलब मेरे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास बच रहा है डेल v, तो डेल v की वैल्यू यहाँ स्टेप में बच जाती है तो वो हो जाती है 3l स्क्वायर डेल l। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू डेल v की मुझे मिल रही है, देखें आप यहाँ पे, तो मैं इसको अंडरलाइन करके रख देता हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इसका यूज़ अभी करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया, एक बार फिर बता दूँ, सबसे पहले हमने इनिशियल वॉल्यूम निकाला, फिर इनिशियल वॉल्यूम के बाद जब टेम्परेचर उसका डेल्टी बढ़ाया हीट देखे तो उसमें वॉल्यूम बढ़ गया वी प्लस डेल वी, उसकी वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू निकालते समय सावधानी क्या रखना है, हमको सावधानी रखना है उस फार्मूले की जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है ए प्लस बी होल क्यूब की, वो आइडेंटिटी हमको अप्लाई करना है। अगली स्टेप में सावधानी ये रखना है केयर कि डेल एल का होल स्क्वायर और डेल एल का होल क्यूब निगलेक्ट करना है क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी। एक बात जरूर इस बात में ध्यान रहना कि एल डेल एल का स्क्वायर डेल एल का क्यूब या बड़ी पावर ही आपको निगलेक्ट करना है, यदि सिंपल्स अकेला डेल एल होता है तो उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने निगलेक्ट करते हुए इक्वेशन बनाई, फिर मैंने इंक्रीज वॉल्यूम के लिए जो है बड़े हुए वॉल्यूम में से छोटे यानी जो फाइनल वॉल्यूम था उसमें से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दिया तो ये मेरे को टर्म मिल गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद मुझे गामा का यानी कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को यूज़ करना है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आप इसको देखिए यहाँ पर, एज वी नो कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा स्टूडेंट्स गामा इक्वल टू डेल वी अपॉन वी डेल टी। अब यहां फिर से थोड़ा सोचने की बात आती है, सोचने की बात यानी हमारे ब्रेन में रहना चाहिए, हम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से स्लेक होती जाती है बात है, लेकिन फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि डेल वी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कब निकाली, इंक्रीज एरिया के फॉर्म में, और v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से है जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ डेल v एंड v दोनों की वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आप देखेंगे गामा इक्वल टू डेल v की वैल्यू मेरे पास जो है पीछे दिख रही है 3l स्क्वायर डेल l, देखिए यहां पर ये है वैल्यू 3l स्क्वायर डेल l, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 3l स्क्वायर डेल l, v की वैल्यू l क्यूब है जो इक्वेशन फर्स्ट से है वो आपको पता है, डेल t मैंने यहाँ एज इट इज रख दिया। देखिए यहाँ l की टर्म दो है, दो l है और नीचे तीन है तो दो टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो मेरे पास बचता है 3 इंटू डेल्टा l अपॉन l डेल्टा t। अब स्टूडेंट्स ये तो बात आपको पता ही है कि ये मैंने जो लिखा है वो क्या है, वो है अल्फा डेल एल अपॉन एल डेल टी। अब तक तो आपके ब्रेन में ये बात बैठ चुकी होगी क्योंकि हम इसको कई बार बोल चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। इससे हमें ये बात समझ आती है स्टूडेंट्स कि जो कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइम्स होता है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। सो स्टूडेंट्स आई थिंक सारी स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन को कर दिया गया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। एक दो बार जितनी बार में जब तक आपको ऐसा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता कि अब मैं आप इसको बिना देखे कर सकता हूँ तब तक इसको रिपीट कीजिए। इसका फिनोमेना देखिए, हम भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब थे तो हमारे साथ भी ये था कि देख के डर ही जाया करते थे कि अरे डेरिवेशन यार ये क्या सब्जेक्ट ले लिया हमने तो कुछ और सोचा था वो कुछ और गया। लेकिन जब हम उसके स्ट्रेटेजी को फॉलो करने लगते हैं कि कैसे करना है और कितनी बार करना है, टाइम ज़रूर लेगा शुरू के प्राइमरी मंथ्स में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा कि मेरे को डेरिवेशन करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी प्रिसाइसनेस आपकी बढ़ती जाएगी और आप बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। तो इसके साथ भी वही कीजिएगा, दो बार तीन बार चार बार जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब तक उसे रिवाइज कीजिएगा। प्रॉमिस लीव कहता हूँ आप इसके मास्टर होंगे, आप पढ़ने के साथ साथ किसी को पढ़ाने के काबिल भी हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।